सो हे व्हाट्सअप लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब एडिटिंग एंड एनिमेशन। सो गाइस, आज का जो ट्यूटोरियल है वो हमारा लेसन नंबर 24 है। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से आप रोलिंग क्रेडिट बना सकते हो, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कुछ इस टाइप से, जो एंड में सीन्स आते हैं हमारे जिसमें कास्टिंग बताते हैं जो जो लोग हमारे काम करें, वो पूरा अपने फिल्म के एंड में देखा होगा ये सीन। तो कुछ इस सीन को हम यहाँ पे बना के दिखाने वाले हैं आपको किस की वे से बनता है अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना ताकि वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो गाइस ये देखिए, ये कुछ लास्ट सीन था हमारा, तो इसमें हमने क्या करा था, इसके बाद आपको सिंपली सी करना क्या है, आपको थोड़ा सा आगे जाना है। आपको थोड़ा सा आगे जाने के बाद जैसे आपकी एक ब्लैक विंडो आएगी, आपको टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करनी है टाइप टूल्स में। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा लेयर बना देना है आपका इस बॉक्स को करने के बाद। अब इसको आपको सेट करना है कि आपका सेंटर में लाए करे। ओके, सेंटर में लाए करने के बाद इसको और बड़ा कर लेंगे ताकि और अच्छे से आए, आपका फिट आए। देन इसके बाद क्या होगा, हमारा टेक्स्ट पे जाना है टैप टॉप में। आप मैंने यहाँ पे कुछ कॉपी करके रखा था, वो मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ये हमारे कुछ लाइन्स है जो मैंने लिख के दिखा रखे आपको एग्जांपल के तौर पे। अब इन लाइन को कैसे रोलिंग में चलाना है वो यहाँ पे सिखाने वाला हूँ मैं। तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे असेंशियल ग्राफिक्स में। असेंशियल ग्राफिक्स में जाओगे तो जो लाइन्स लिखी पड़ी हो यहाँ आपका पूरा बता रखा ट्यूटोरियल्स में क्या क्या है, रेगुलर साइज है, फिर कौन से साइज में लिखी हुई है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से आपको टेक्स को सेट करना है। इसके ट्यूटोरियल में ऑलरेडी डाल चुका हूँ आपको इस लिखा लेसन, तो वहाँ जाके आप सीख सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जो हमारा टेक्स है जैसे कि ये लाइन से यहाँ पे लिखी पड़ी है, इसके नीचे जैसे ही आप क्लिक करोगे ब्लैक विंडो पे, तो यहाँ पे जाके आपको रोल का ऑप्शन आ रहा होगा, रोल पे प्रेस क्लिक कर देना। अब क्या होगा, रोल होना स्टार्ट हो जाएगा, रोल होना एंड होगा, तो ध्यान से देखें किस तरीके से होगा। तो कुछ इस टाइप से आपका रोल होके एंड होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, स्लो करूंगा ताकि और अच्छे से दिखे हमें। तो हम इसका क्या करेंगे, थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो रोल होके आपको दिख चुका है, तो मैं और इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूंगा, ये देखिए। तो यहाँ पे कुछ स्टाइल से आपका रोल होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेयर आती हुई दिखेगी, ये कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है गाइस। तो एक बार मैं इसको फाइनली आपको आउटपुट में दिखा देता हूँ किस तरीके से आपकी कंप्लीट वीडियो चलेगी। ये कुछ इस स्टाइल से आपको चलने के मिलने वाली है। मैं इसको थोड़ा सा आगे चलाता हूँ। सो यहाँ से हम इसको जैसे ही रन करेंगे, कलर सेलेक्ट टूल हमने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए कुछ स्टाइल से आपको चल के दिखाने वाली है आपको एंड क्रेडिट प्रीमियर प्रो। जैसे आपको मूवीज में देखते हो कास्टिंग के नीचे जो लोग काम करते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे चल के आने वाली है। तो इस टाइप से आपको रोलिंग क्रेडिट आपका बनने वाला है। किस तरीके से आप रोलिंग क्रेडिट ऐड करेंगे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले यूज़ करना है यहाँ पे टाइप टूल का। टाइप टूल का यूज़ करके आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर जो भी आपको यहाँ पे टाइप कर रहा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, जैसे आप यहाँ पे टाइप करके लिख दोगे चीज़ों के बारे में, सो देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे असेंशियल ग्राफिक पे क्लिक करना है। असेंशियल ग्राफिक पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शन आ रहा होगा, इसके नीचे जैसे ब्लैक विंडो पे क्लिक करोगे तो आपको ये खुल के आ जाएगा पैनल, जिसमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन, टाइमिंग, ड्यूरेशन, रोल, रोल कब हुआ, प्री रोलिंग है, पोस्ट रोल है। आप इसको इजी नीज आउट में भी कर सकते हो कि कितनी ड्यूरेशन होना चाहिए, वो सब चीज़ ऐसे कंट्रोल कर सकते हो इसके बारे में। सिंपली आपको ऑटोमेटिकली रोल ऑन ऑन करना है, जैसे कि आप रोल ऑन ऑन करोगे अपना तो ये ऑटोमेटिकली आपका चलना चालू हो जाएगा, कुछ स्टाइल से आपको चलने लगेगा। तो ऐसे ही तरीके से आप चाहो तो और भी टाइप के अपने टेक्स्ट बना सकते हो। कास्टिंग के बारे में जो होती है कि एंड में जो हम क्रेडिट देते हैं किस तरीके से रोलिंग में क्रेडिट देते हैं, वो आपको सिखाया मैंने। तो और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं मेरे को वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। और साथ के साथ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि फिल्म प्रो के किस टॉपिक के ऊपर आपको लेसन चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ऐसे ही देखते रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।